श्वास का रोग अस्थमा या दमा, फेफड़ों में श्वास के द्वारा प्रदूषण की गंदगी पहुंचने से जमती है, जिससे श्वास लेने में कष्ट होता है। प्रकृति ने इस कष्ट को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जो आगे बताए हैं। फेफड़ों में जमी हुई प्रदूषण की गंदगी का चित्र। फेफड़ों की गंदगी के लिए तेजाब है, इस फल का जूस पीते ही हो जाएगा एकदम चकाचक। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सेब के जूस का यह प्रभाव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों से संबंधित बीमारी को दूर करने में मदद कर सकता है। अस्थमा भी फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है। सेब का जूस, दिल को स्वस्थ रखने के लिए सेब का जूस काफ़ी उपयोगी माना जाता है। सेब के जूस में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी पाया जाता है। अस्थमा, अस्थमा की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी सेब का जूस उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स की मौजूदगी के कारण मुक्त कणों को नष्ट करने वाला एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।